बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकोनॉमी सफेद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड क्यू वेयर एवरेज कॉस्ट आर मिनिमम, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आल्सो प्रूफ वेयर एवरेज कॉस्ट मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड करेंगे जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है यानी कम से कम है, और प्रूफ करेंगे कि एवरेज कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट के, और सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 25 माइनस 8x प्लस एक्स की पावर 2। इस क्वेश्चन के अंदर x वेरिएबल है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हम लोगों ने फाइंड करना है q को और एवरेज कॉस्ट को जो मिनिमम है यानी कम से कम है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर x वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, dAc ओवर dx इज इक्वल टू d विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, 25 माइनस 8x प्लस एक्स की पावर 2 डी ए सी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 25 कॉन्स्टेंट है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है वो 0 होती है। x का कोफिशियंट हमारे पास क्या है, माइनस का 8, तो माइनस का 8 आएगा प्लस एक्स की पावर 2। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, x की पावर को x के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 लेस करते होते हैं। 2 को x के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 है, तो प्लस का 2x आता है और पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 माइनस का 1 डी ए सी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 2x। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव है। अब हम लोग एवरेज कॉस्ट का जो पहला डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स, डी टू ए सी ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 8 प्लस का 2x डी टू ए सी ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का 8, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है वो 0। x का कोफिशियंट क्या है, प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 आएगा। डी टू ए सी ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू प्लस का 2। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है ये ग्रेटर देन टू 0 है, यानी 0 से बड़ा है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो एवरेज कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। ये जो एवरेज कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव है इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखते हैं, डी ए सी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट को 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का 8 प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 8 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है, प्लस का 8 x इज इक्वल टू 8 ओवर 2, 2 बटे के नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आता है। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड की है। एवरेज कॉस्ट को मालूम करने के लिए एक्स की वैल्यू को जो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट मालूम हो जाएगा। ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 25 माइनस 8x प्लस का एक्स की पावर 2 प्लस का एक्स की पावर 2। एवरेज कॉस्ट को मालूम करते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू x की जगह जो x की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, 25 माइनस का 8
एक्स की जगह ये वाला फोर एक्स की जगह पुट कर देंगे, फोर आ जाएगा प्लस का टू, सॉरी प्लस का एक्स की पावर टू, एक्स की जगह क्या करेंगे ये वाला फोर यहाँ पे पुट कर देंगे फोर का स्क्वायर, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 25, माइनस की एट को प्लस के फोर से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफी नफी, तो हमारे पास माइनस की क्या आता है 32, प्लस के फोर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है प्लस का 16, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्लस का 25 प्लस का 16, इन दोनों को जमा करेंगे तो प्लस का 41 आता है, माइनस का 32, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 41 में से जब 32 को लेस करते हैं तो 9 आता है, यहाँ पे लिखेंगे 9, ये एवरेज कॉस्ट का आंसर है, मार्जिन कॉस्ट का भी आंसर 9 आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे टोटल कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाती है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या करते हैं एवरेज कॉस्ट की ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस का 8x प्लस का x की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25x आता है, माइनस के 8x को x से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफी नफी तो माइनस का क्या आएगा 8x की पावर 2, क्योंकि जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं x के ऊपर वन पावर है तो x के ऊपर वन पावर है तो पावर्स जमा होती हैं, प्लस के x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो प्लस का क्या आएगा x की पावर 3। अब हम लोग टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो मार्जिन कॉस्ट फाइंड हो जाता है, इसको फाइंड करते हैं डी टी सी ओवर डी एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं मार्जिन कॉस्ट डी विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 25 एक्स माइनस 8x की पावर 2 प्लस x की पावर 3, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू x का कोफिशियंट क्या 25 माइनस यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, x की पावर को x कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं 2 को माइनस की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, x पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1, प्लस यहाँ पे पावर का इस्तेमाल करेंगे x की पावर को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 लेस करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आता है 3 माइनस का 1, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 25 माइनस 16x आ जाएगा प्लस का 3x की पावर 2। अब हम लोगों ने मार्जिन कॉस्ट की वैल्यू को फाइंड करना है तो x की जगह ये जो हमने वैल्यू फाइंड की थी x की 4, तो x की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो मार्जिन कॉस्ट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 25 माइनस 16 x की जगह ये वाला 4 यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस 3 x की पावर 2, x की जगह 4 पुट कर देंगे 4 का स्क्वायर, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 25 माइनस के 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफी नफी तो माइनस का 64 आता है प्लस 3, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू प्लस का 25 प्लस का 48 73 आता है माइनस का 64, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 73 में से 64 को लेस करते हैं तो 9 आता है, देखिए एवरेज कॉस्ट का आंसर हमारे पास 9 है तो मार्जिन कॉस्ट का आंसर भी हमारे पास 9 है, ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।